दोस्तों सुबह के हो चुके हैं 6:30 और मैं उठ गई हूँ अभी। और ये मेरे बालकनी का नज़ारा होता है और थोड़े से ही दूर बालकनी के थोड़े ये वाली साइड में, मतलब जहाँ पे ओपन स्पेस है वहाँ पे हमने ये पेड़ पौधे लगाए। मतलब हमारी जो ओनर है ये रूम की, उन्होंने तो अच्छा लगता है। जो पहले उठता है वो पानी देता है, डिपेंड करता है कि कौन उठता है। आज मैं उठ गई तो मैंने आज पानी दे दिया है पौधों को। बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है ये सब करते हुए और मज़ा भी आता है यार कि आपकी दिन की सुबह इतनी अच्छी हो रही है तो दिन बजाता है। अभी मेरे दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, अभी मुझे फटाफट रेडी होना है क्योंकि मेरे लेक्चर का समय हो चुका है और मुझे जाना है। तो देखते हैं जाके वहाँ पे कि हम क्या करते हैं क्या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड और एंड तक व्लॉग देखना। जो लेक्चर के लिए नेसेसरी होते हैं जैसे कि बुक, ये मेरी नोटबुक और कुछ ईयरफोन्स और वो, तो वो पैक कर दिया है तो हम जा रहे हैं कॉलेज। बहुत देर हो चुकी है तो फटाफट निकलते हैं। दिस इज माई पैक। ओके, तो हम यहाँ से सीधे कॉलेज जाएंगे। मेरा जो रूम है, मैं कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहती हूँ तो मेरा जो रूम है वो कॉलेज कैंपस के आउटसाइड है। तो यहाँ से लगभग 10 मिनट्स तो लग ही जाते हैं मुझे जाते जाते। तो मैं पैदल ही जाती हूँ क्योंकि ऑटो की सर्विस यहाँ से तो मिलती नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट माय कॉलेज वहाँ पे मतलब मेरा रूम का एरिया है। तो हम सीधे चलते जाएंगे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है यार। तो चलो मिलते हैं कॉलेज में, स्टे ट्यून्ड। मैं एंटर हो चुकी हूँ कॉलेज में। ये हमारे बैक साइड का गेट है जहाँ से सिर्फ लड़कियों के लिए एंट्री होती है। तो यहाँ से दो रास्ते हैं मेरे कॉलेज को जाने के लिए, मैं ये रास्ते से जाऊँगी। तो चलते चलते मुझे ये डॉगी दिख जाता है, बहुत क्यूट था। तो ये रास्ते से सीधे जाके मेरा कॉलेज है सामने। तो वहाँ पे तैयारी चल रही है प्रोग्राम की, कोई तो प्रोग्राम है वहाँ पे तो स्टूडेंट्स के लिए शायद। फाइनली हम हमारे कैंपस में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लाइक ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, एंड देन ये हमारा लॉ जहाँ पे मैं भी जा रही हूँ, जो बहुत देर हो चुकी है मुझे ना। ऐसा सब क्लास में जाके बैठने के बाद फिर जाना बहुत ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि सब आपको मुँह को देख रहे होते हैं। चलो अब आदत हो चुकी है। गेट क्यों बंद है? नहीं, ये गेट बंद है। अच्छा, तो अभी मुझे पता चला है कि ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो प्रोग्राम की वजह से यहाँ का गेट उन्होंने बंद कर दिया है। तो मुझे बैक के गेट से जाना पड़ेगा, जो पीछे गेट है शायद, मैं कभी उस गेट से गई नहीं हूँ। तो मुझे उल्टी चक्कर मार के जाना पड़ेगा अब। चलो चलते हैं। सुबह सुबह उठने का तो दिल करता नहीं है, लेकिन जब उठ के फटाफट रेडी होके जब कॉलेज में आते हो तो भाई अलग लेवल का सुकून मिलता है। जैसे आपके जैसा फ्रेश बंदा है ही नहीं, ऐसा लगता है। लाइक फ्रेश फील होता है कॉलेज कैंपस में, हरा भरा सब। मैं आपको इन शॉर्ट कभी आपको ये पूरे कॉलेज का टूर भी करा दूंगी, तो अगर मुझे बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो कमेंट करना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी पूरा कैंपस का व्यू। तो अभी मुझे जाना है बैकेट से, लेकिन चलो बहुत दूर है यहाँ से। ये रही वो बैक गेट वाली एंट्री। तो हम यहाँ से सीधे जाके राइट टर्न लेंगे जहाँ पे हमारा गेट हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम एंट्री करेंगे कॉलेज में। वो सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ओपन किया जाता है, वैसे वो हमेशा के लिए बंद ही रहता है। तो ये रहा वो गेट जहाँ से मैं एंट्री कर चुकी हूँ।
तो यह है स्टडी सर्कल ऑल ओवर, जो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। तो यहाँ से लेफ्ट के लिए जो स्टेयर्स है वो मेरे क्लासरूम में जाते हैं। तो चलो आपको जो बताया था सुबह को जो दिखाया था, तो ऑडिटोरियम में कुछ तो तैयारी चल रही थी प्रोग्राम की, तो वहाँ के प्रोग्राम की वजह से हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो कैंसिल करवा दिया गया। तो अभी मैं वहाँ पे ही जा रही हूँ, तो देखते हैं प्रोग्राम क्या है, मैं उसके अपडेट्स भी आपको दे दूँगी। तो स्टेट तो यही वो स्टडी सर्कल है जिसके बारे में मैं आप सबको बता रही थी कि स्टडी सर्कल एक लाइब्रेरी में तो हम देखिए कि बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते, ज़ोरों से चिल्ला नहीं सकते, तो स्टडी सर्कल में डिस्कशन करने के लिए सब इकट्ठा होते हैं। तो यही वो उसका पर्पज़ है। छोटे मोटे अगर प्रोग्राम होंगे तो वो यहीं पे कंडक्ट होते हैं। तो ये हम क्यों गैदर हो चुके हैं तो बता दूं कि सर ने, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हमें गैदर किया था यहाँ पे वो बताने के लिए कि अब जो प्रोग्राम होने वाला है उसका टाइम क्या है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी और शाम में दो टाइम भी प्रोग्राम होने वाला है, तो हम उसी के लिए निकलने वाले हैं यहाँ से। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं उन्होंने क्या अरेंजमेंट करवा रखा है। तो ये रहा वो गेट और वो एंट्री गेट जो आपको फ्लावर्स फ्लावर्स वाला डेकोरेशन दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत उन्होंने ये सब डेकोरेट किया है। जस्ट वाव, देखिए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है ना। तो ये प्रोग्राम के बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे जो एडवोकेट्स आए हैं उनके जो अटेंडेंसी ले रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने गूगल फॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हीं का नाम ये लिस्ट में होगा और उन्हीं को आगे एंट्री दी जाएगी। अब ये क्यों, ये भी मैं आपको बता दी। देखिए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा एक प्रोग्राम अरेंज करता है न्यू एडवोकेट्स के लिए, मतलब अभी जो हम एंट्री दे रहे हैं वो 22 21 22 और 23 में जो एडवोकेट्स, न्यूली एडवोकेट्स ने लाइसेंस लिया है अपना, उन्हीं को ये प्रोग्राम में एंट्री थी। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनके प्रैक्टिस में क्या दिक्कतें आ रही है क्या नहीं। तो ये जो सीनियर्स लोग होते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी एसोसिएट करते हैं और जो जजेस होते हैं वो उनको एक बेसिक नॉलेज देते हैं, तो वो ये प्रोग्राम में उनको बताते हैं कि आपको एज एन एडवोकेट क्या दिक्कतें आती है और आप वैसे आप उनके साथ कैसे डील कर सकते हो। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे, बहुत मतलब इंडिया में जिनका बहुत नाम है वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं वो, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये तो पहला सेशन था जिसमें ये सब वो बता रहे थे, इसके बाद लंच होगा और फिर एक बार दूसरा सेशन चालू होगा। तो ये ख़त्म होने तक हम देखते हैं, चलो मैं भी एंजॉय करती हूँ, आप भी देखिए। तो मैं दूसरे सेशन के लिए घर जाके फटाफट रेडी होके आ गई हूँ लंच वगैरह करके। दूसरा सेशन है जिसकी तैयारी हो रही है, 2.5 घंटे में ख़त्म। और जो मैंने आपको बताया था आफ्टर ये जो प्रोग्राम है उसके तुरंत ही बाद उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, तो ये बेसिकली क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बुक्स थे जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट। तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया है अभी, तो हम दूसरे प्रोग्राम के लिए
तैयार हो रहे हैं, मतलब मैं चाय पी के एनर्जेटिक फील करती हूँ, तो मैंने चाय ले ली है। थोड़े से प्लानिंग कर ली है कंप्यूटर लैब, जहाँ पे अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ और एक प्रोग्राम का, क्योंकि जो कर्नाटका के जस्टिस है वो यहाँ पे आने वाला है हमें गाइड करने के लिए। तो वो प्रोग्राम अभी 15-20 मिनट में शुरू होगा, सुबह से लेकर शाम और शाम से अभी। तो हाँ, करना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास देखिए हज़ारों बुक पढ़ के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक जो नॉलेजेबल पर्सन है, अगर आप उसका बात सुनते हो तो फ़ायदा होता है। तो जो नए स्टूडेंट है, जो लॉ वाले, तो मुझे मेरा उनको भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये ऐसे जो कॉलेज आपके लिए प्रोग्राम अटेंड करता है, तो आप भी किया करिए अटेंड, आप भी उन्हें अटेंड कीजिए, सुनिए गौर से क्या कहते हैं क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करता है आपकी स्टडीज़ में और सभी चीज़ों में। क्योंकि वकील पेशा ही ऐसा है कि हमें लड़ाई के पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, तो क्यों ना अभी से शुरुआत की जाए, फर्स्ट ईयर से ही। तो यही सब सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। तो बहुत हेक्टिक दिन होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ होता है, लेकिन जब भी होता है तो पूरा डे पैक हो जाता है, तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन स्टिल एंजॉइंग, अगर आप आपका करियर एंजॉय करते हो, आप आपकी चॉइस एंजॉय करते हो, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय ईच एंड एवरी टाइम जो आप कुछ कर रहे हो। तो अभी तो मेरा ये सेशन शुरू होगा, तो मैं अटेंड करूँगी दोपहर में ही। मैं फ्रेश वगैरह होके आई थी, तो चलो देखते हैं अब क्या होता है, कितनी देर तक चलता है। अगर मुझे कुछ फ़ायदे का लगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड और अंत तक देखना क्या होता है। अभी का टाइम हो चुका है लगभग 7-8, तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तो काफ़ी हेक्टिक था आज का डे पूरा पैक था। तो हाँ, यही होता है, कभी प्रोग्राम हो तो ऐसे होता है। अगर बताना मुझे कि अगर आपको नॉर्मल डे वाला भी वीडियो चाहिए होगा, तो मैं वो भी शूट करने के लिए तैयार हूँ। अब जाते हैं जल्दी घर पे, घर पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वक्त हो चुका है। तो घर पे जाके खाना खाएंगे, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो हाँ, ऐसा था मेरा दिन, मेरे दिन की शुरुआत। मेरा पूरा होल डे आज कॉलेज में ही गया है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, चलता रहता है, डिपेंड करता है कि क्या है दिन। मतलब हर महीने में या हफ्ते में तो ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं फॉर आर गाइडेंस, हमें गाइड करने के लिए बार बार ये ऐसे जजेस और ये सब बुलाए जाते हैं, बार बार हमें अवेयर किया जाता है हर चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी कॉलेज की, कि हमें महसूस होती है वो चीज़ करे, हाँ हम फ्यूचर लॉयर्स है, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तो हम इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये आज का दिन तो बहुत हेक्टिक रहा है, वैसे हर दिन ऐसा नहीं होता,
अगर आपको लगता है कि मैं मेरे जो नॉर्मल डेज होते हैं लेक्चर्स एंड मेरा लाइब्रेरी और मेरा स्टडी, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर यू आर इंटरेस्टेड, तो मैं वो भी शूट करूँगी और आपको अपडेट्स देती रहूँगी। वैसे तो मैं खुद ट्राई करूँगी कि मैं आपको हमेशा अपडेट्स देती रहूँ। मेरे कॉलेज में अगर कुछ नया होता है, अगर कुछ मेरे मुझे देने जैसा हो आपको, तो मैं वो ज़रूर दूंगी आपको। तो देखते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना।